हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल जयसवाल वर्चुअल क्लासेज में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं प्रैक्टिस सेट सीरीज से नए वीडियो के साथ आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं और आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स इस टॉपिक से जो विभिन्न परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए हैं या इस टॉपिक से जो क्वेश्चन बनते हैं उन समस्त क्वेश्चनों को संकलित करके रखने का प्रयास किया गया है जिससे आपकी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करें इसके पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो कृपया जयसवाल वर्चुअल क्लासेज को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबा करके ऑल का बटन दबा दीजिएगा जिससे हमारी आने वाली हर महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। फ्रेंड्स, ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि यहां से अच्छे कंटेंट की वीडियो निकलते हैं, न केवल आपको प्रैक्टिस सेट की वीडियो निकलते हैं बल्कि यहां से लेक्चर की भी वीडियो निकलते हैं जो आपकी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप चाहें तो हमें फेसबुक और टेलीग्राम पर भी जयसवाल वर्चुअल क्लासेस में फॉलो कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दी गई है, आप चाहें तो उसको वहां से भी देख सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर एक है कि ब्रिटिश आदर्शवाद का प्रवर्तक किसे कहा जाता है अथवा किसके चिंतन में आदर्शवाद का सौम्य रूप मुखरित हुआ। ए ग्रीन में, ब्री ब्रेडले, सी बोसांके या डी बारकर। तो फ्रेंड्स देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा ग्रीन। फ्रेंड्स देखिए, आदर्शवाद एक ऐसी विचारधारा है जो राज्य को महत्ता देती है, राज्य को इम्पोर्टेंट मानते हुए उसको साध्य मानती है और व्यक्ति को एक साधन मानती है। इसके आदर्शवाद का जो प्रारंभिक रूप हमको जो है प्लेटो और अरस्तु के विचारों में दिखाई देता है और आधुनिक युग की बात की जाए तो आधुनिक युग में रूसो की विचारधाराओं में हमको आदर्शवाद की नींव दिखाई देती है। जब रूसो ये कहता है कि राज्य एक नैतिक संस्था है और समान इच्छा की संकल्पना व्यक्त करता है तो उसके विचारों में हमको आदर्शवाद की झलक दिखाई देती है। लेकिन इस सिद्धांत का विकास जो है जर्मन विचारकों में हुआ, जैसे कांट है, हीगल है, इनके विचारों में जो है यह सिद्धांत जो है चरमोत्कर्ष को प्राप्त करता है। ब्रिटेन में इस आदर्शवाद की नींव जो है वो ग्रीन ने रखी, इसलिए ब्रिटिश आदर्शवाद का प्रवर्तक जो है हम ग्रीन को कहते हैं। ठीक है, तो ब्रिटिश आदर्शवाद का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? ग्रीन को कहा जाता है। और कहा अगला प्रश्न है, इसी को का मिलता जुलता है प्रश्न है कि किसके चिंतन में आदर्शवाद का सौम्य रूप मुखरित हुआ। ग्रीन ने जो आदर्शवाद रखा वो सेम टू सेम वही आदर्शवाद नहीं है जो कि हीगल के विचारों में हमको दिखाई देता है। इन्होंने आदर्शवाद को जो है वो सौम्य रूप प्रदान किया। आदर्शवाद जो है राज्य की कट्टरता का समर्थक है, लेकिन ग्रीन का जो आदर्शवाद है उसमें इन्होंने उदारवाद का मिक्सर कर दिया है, इसीलिए यह आदर्शवाद का सौम्य रूप बन जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि किसके चिंतन में हमको आदर्शवाद का सौम्य रूप मुखरित हुआ है, तो ग्रीन के चिंतन में हुआ है क्योंकि ये आदर्शवाद को उदारवाद के साथ मिक्स कर देते हैं। ठीक है, तो ब्रिटिश आदर्शवाद का प्रवर्तक पूछे चाहे किसके चिंतन में आदर्शवाद का सौम्य रूप मुखरित हुआ यह पूछे, दोनों का उत्तर ग्रीन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर एक का ग्रीन सही है। क्वेश्चन नंबर दो है फ्रेंड्स कि ग्रीन का जन्म हुआ था 6 अप्रैल 1873 को इंग्लैंड में, 6 अप्रैल 1836 को इंग्लैंड में, 6 मई 1819 को जर्मनी में या 6 मई 1832 को जर्मनी में। तो फ्रेंड्स देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा 6 अप्रैल 1836 को इंग्लैंड में। ग्रीन का जन्म जो है 6 अप्रैल 1836 को इंग्लैंड के यॉर्कशायर जिले में हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर दो का बी 6 अप्रैल 1836 इंग्लैंड जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर तीन है फ्रेंड्स कि वह विचारक जिसके चिंतन में आदर्शवाद एवं उदारवाद का समन्वय मिलता है अथवा उदारवाद के प्रत्ययवादी या आदर्शवादी संशोधन का नेतृत्व किसने किया? कार्ल मार्क्स ने, मैकियावेली ने, टीएच ग्रीन ने या बेंथम ने? तो फ्रेंड्स देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा सी, टीएच ग्रीन ने। फ्रेंड्स ये दोनों क्वेश्चन जो हैं एक ही हैं, आपको दोनों क्वेश्चन को अथवा करके इसलिए लिख दिया जाता है ताकि आप समझिए कि क्वेश्चन को किस तरह से बनाता है, किस तरह से पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करके क्वेश्चन के स्वरूप को बदल देता है, थोड़ा सा इधर उधर कर देता है और हम आप समझ नहीं पाते हैं। तो देखिए, वह विचारक जिसके चिंतन में आदर्शवाद एवं उदारवाद का समन्वय मिलता है, अभी मैंने बताया कि ग्रीन ने जो है आदर्शवाद में उदारवाद का समन्वय किया। इसने उदारवाद जो है वो व्यक्ति को महत्वपूर्ण मानता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थक होता है और आदर्शवाद जो है वो राज्य का समर्थन है, वो राज्य को महत्वपूर्ण मानता है। ग्रीन ने क्या किया, उसने आदर्शवाद और उदारवाद दोनों को मिक्स कर दिया। ठीक है, तो वह बेचारा जिसके चिंतन में आदर्शवाद और उदारवाद का समन्वय मिलता है तो ग्रीन के। उदारवाद के प्रत्ययवादी संशोधन का नेतृत्व किसने किया? प्रत्ययवाद का मतलब होता है आदर्शवाद, उदारवाद में प्रत्ययवादी संशोधन का नेतृत्व यानी उदारवाद को प्रत्ययवाद के साथ किसने मिलाया,
प्रश्न ये पूछ रहा है। अब प्रत्ययवाद अगर आप समझ रहे हैं कि प्रत्ययवाद का मतलब आदर्शवाद होता है तब तो आप कर लेंगे, नहीं तो आपके लिए ये क्वेश्चन नया हो जाएगा। ठीक है, तो उदारवाद में प्रत्ययवादी संशोधन का नेतृत्व पूछे, चाहे उदारवाद में आदर्शवादी संशोधन का नेतृत्व पूछे, किसने किया? तो टी एच ग्रीन ने किया। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सी टी एच ग्रीन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड्स कि कौन सी पुस्तक टी एच ग्रीन की है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, द मेटाफिजिकल थ्योरी ऑफ स्टेट, ऑन लिबर्टी। तो फ्रेंड्स देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा बी, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। यही ग्रीन की पुस्तक है फ्रेंड्स, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। इसी को जो है आप लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशंस के नाम से भी जानते हैं। अगर आपको लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द पॉलिटिकल ऑब्लिगेशंस कहे तब भी इसका उत्तर ग्रीन होगा, और प्रिंसिपल ऑफ द पॉलिटिकल ऑब्लिगेशंस कहे तब भी इसका उत्तर ग्रीन ही होगा। जैसे ऐसे ऑन लिबर्टी, ये जॉन स्टुअर्ट मिल की पुस्तक है, अगर इसको ऑन लिबर्टी पूछता है तब भी जॉन स्टुअर्ट मिल ही इसका उत्तर होगा। तो उसी तरह से लेक्चर्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशंस इसका फुल नाम है, जिसको शार्ट में प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशंस के रूप में दिया जाता है। तो यह टी एच ग्रीन की पुस्तक है, क्वेश्चन नंबर 4 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड्स कि संकल्प न कि शक्ति राज्य का आधार है, किसने कहा? प्लेटो ने, ग्रीन ने, हाब्स ने, मैकियावेली ने? तो फ्रेंड्स देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा बी, ग्रीन। यह ग्रीन का बहुत फेमस स्टेटमेंट है फ्रेंड्स। जैसा कि व्यक्तिवादी, साम्यवादी और अराजकतावादी जो है राज्य का आधार जो है शक्ति को मानते हैं, लेकिन ग्रीन का मानना है कि शक्ति जो है वो राज्य का आधार नहीं हो सकता है, क्योंकि शक्ति जो है अस्थायी चीज है और राज्य जो है वो अस्थायी है। वो कहता है कि राज्य का आधार जो है संकल्प है, यानी इच्छा है व्यक्ति की, न कि शक्ति है। अपने इस कथन के समर्थन में वो तर्क भी देता है कि यदि शक्ति जो है राज्य का आधार होता तो जो राज्य में सेनाएं होती हैं, जो कि बहुत ताकतवर होती हैं, वह राजनीतिक लोगों के आदेश का पालन क्यों करती? जो बड़े बड़े तानाशाही शासक थे, जैसे बोर्बो वंश था फ्रांस का, रूस का जार वंश था, ये लोग तो बड़े तानाशाह थे, इनके पास बड़ी शक्ति थी, इन राजवंशों का पतन क्यों हो गया? तो अगर शक्ति राज्य का आधार होता तो इनका पतन होता ही ना। तो इन्हीं तर्कों के द्वारा जो है ग्रीन यह सिद्ध करने का प्रयास करता है कि राज्य का आधार शक्ति नहीं है बल्कि व्यक्ति की इच्छा है। हम अपनी इच्छा से राज्य के कानूनों का पालन करते हैं, न कि किसी डर और भय से। हमें लगता है कि राज्य के कानूनों को पालन करने से हमारा हित होगा, इसलिए हम स्वेच्छा से करते हैं, किसी शक्ति के दबाव में नहीं करते हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में उसने कहा कि संकल्प न कि शक्ति राज्य का आधार है। इसी को दूसरे तरीके से पूछ सकता है कि इच्छा न कि शक्ति राज्य का आधार है, या राज्य का आधार शक्ति नहीं वरन इच्छा है। तो इसी को किसी तरह से घुमा दे, आप यदि कॉन्सेप्ट को समझे हैं तो आपका क्वेश्चन का उत्तर गलत नहीं होगा। तो राज्य का आधार शक्ति नहीं वरन इच्छा है, चाहे कहे कि संकल्प न कि शक्ति राज्य का आधार है, दोनों का उत्तर हो जाएगा ग्रीन। क्वेश्चन नंबर 5 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड्स कि यह कथन किसका है कि ग्रीन ने उदारवाद को नैतिक और आदर्शवाद को सभ्य बनाया? बार्कर का, मैक्सी का, गैटल का, या बेपर का? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर होगा डी, बेपर। फ्रेंड्स ग्रीन ने उदारवाद में नैतिकता का समावेश किया। जिस तरह से उपयोगितावाद को नैतिक आधार जॉन स्टुअर्ट मिल ने प्रदान किया, उसी तरह से उदारवाद को नैतिक आधार जो है ग्रीन ने प्रदान किया। और इसी तरह से आदर्शवाद को इसने उदारवाद के साथ मिक्स करके उसको एक तरह से सभ्य बना दिया, एक तरह से सौम्य बनाया, क्योंकि आदर्शवाद जो है वो राज्य के कट्टरता का समर्थक होता है। लेकिन इस आदर्शवाद में उदारवाद को मिक्स करके इसको जो है सभ्य बनाने का कार्य, इसको सौम्य बनाने का कार्य जो है ग्रीन ने किया। इसी परिप्रेक्ष्य में बेपर ने लिखा है कि ग्रीन ने उदारवाद को नैतिक और आदर्शवाद को सभ्य बनाया। तो यह स्टेटमेंट बेपर का है, क्वेश्चन नंबर 6 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रेंड्स कि समझौतावादी सिद्धांत का वास्तविक दोष यह नहीं है कि यह अनैतिहासिक है, अपितु तो इसमें यह विचार भी निहित है कि अधिकारों तथा दायित्वों का अस्तित्व समाज से पृथक हो सकता है। यह कथन किसका है? टी एच ग्रीन का, बर्क का, लास्की का, या बार्कर का? तो फ्रेंड्स देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा टी एच ग्रीन। फ्रेंड्स ग्रीन जो है वो समझौतावादी जो विचारक हैं उनके सिद्धांतों का आलोचना करता है, उनको सही नहीं मानता है। वो कहता है कि समझौता सिद्धांत का दोष यह नहीं है कि यह अनैतिहासिक है, बल्कि इसका दोष सबसे बड़ा यह है कि यह मानते हैं कि अधिकार जो है वो समाज से पहले था। जैसे लॉक हैं या हाब्स हैं, वो प्राकृतिक अधिकारों की बात करते हैं समझौतावादी विचारक, तो ये कहता है कि प्राकृतिक अवस्था में तो कोई अधिकार था ही नहीं, क्योंकि अधिकारों का चरित्र जो है वो सामाजिक होता है, अधिकार जो है वो समाज में ही संभव हैं। और ये समझौतावादी जो सिद्धांत हैं यह इसको प्राकृतिक अवस्था में बताते हैं,
इसीलिए इनका सबसे बड़ा बुराई यह है कि ये अधिकारों को प्राकृतिक अवस्था में बताते हैं। तो उसी बात को यहाँ लिखा गया है कि समझौतावादी सिद्धांत का वास्तविक दोष यह नहीं है कि यह अनैतिहासिक है, अपितु तो उसमें यह विचार नहीं था कि अधिकारों तथा दायित्वों का अस्तित्व जो है वो समाज से पृथक हो सकता है। यानी समाज से पहले ही अधिकारों की बात कह दिया गया, और ग्रीन का मानना है कि अधिकार समाज में ही संभव हैं। तो यह जो है उसकी आलोचना में कहा गया है समझौतावादी सिद्धांत के, किसका स्टेटमेंट है? ग्रीन का स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रेंड्स कि ग्रीन का विचार नहीं है, इसमें से कौन सा विचार ग्रीन का नहीं है? राज्य एक सर्वोपरि एवं सर्वशक्तिमान संस्था है, व्यक्ति के का स्वभाव नैतिक होता है, युद्ध एक अपूर्ण राज्य का लक्षण है, कतिपय परिस्थितियों में व्यक्ति राज्य का प्रतिरोध कर सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें से एक ही जो है वो ग्रीन का विचार नहीं है, तो वो कौन सा होगा? ई, राज्य एक सर्वोपरि एवं सर्वशक्तिमान संस्था है। फ्रेंड्स, ए को छोड़ करके बाकी तीनों विकल्प सही हैं। राज्य एक सर्वोपरि एवं सर्वशक्तिमान संस्था है, यह जो आदर्शवादी जो हैं, जो कट्टर आदर्शवादी हैं या जो अधिनायकवादी हैं, सर्वसत्तावादी हैं, वो मानते हैं। ग्रीन जो है वो आदर्शवाद को जो है वो सौम्य रूप में देखता है, तो वो उसको सर्वोपरि एवं सर्वशक्तिमान संस्था नहीं मानता है, यही गलत है। व्यक्ति का स्वभाव नैतिक होता है, यह एकदम सही है, यह ग्रीन का एक तरह से स्टेटमेंट समझ लीजिए। ये व्यक्ति को नैतिक स्वभाव को मानते हैं और उसको नैतिक बनाने का ही प्रयत्न करते हैं, ठीक है। युद्ध एक अपूर्ण राज्य का लक्षण है, युद्ध के समर्थक नहीं है, युद्ध को मानते हैं कि ये अपूर्ण राज्य का लक्षण है, यानी राज्य अगर पूर्णता को प्राप्त कर लेगा तो वो युद्ध नहीं करेगा। कतिपय परिस्थितियों में व्यक्ति राज्य का विरोध कर सकता है, ग्रीन फ्रेंड्स व्यक्ति को विशेष परिस्थितियों में राज्य के विरोध करने का भी अधिकार देते हैं, सामान्य परिस्थितियों में नहीं बल्कि विशेष परिस्थितियों में। ग्रीन का मानना है कि वेद व्यक्ति के मन में राज्य के विरोध का विचार आए तो पहले ये देखना चाहिए कि जो विरोध वो कर रहा है क्या वो समाज के अन्य व्यक्ति भी वैसा ही उस कानून को देखते हैं, जिस कानून का व्यक्ति विरोध करने की सोच रहा है क्या समाज के अन्य व्यक्ति भी उसी बात को सोच रहे हैं, यानी उनकी निगाह में भी वह कानून अत्याचारपूर्ण है। यदि है तो हमें उसी कानून का विरोध करना चाहिए, न कि राज्य का, पहली चीज। दूसरी चीज, उस कानून का विरोध करने से पहले या राज्य का विरोध करने से पहले हमें जो है संवैधानिक तरीकों से उस कानून को बदलवाने का प्रयास करना चाहिए, सरकार पर दबाव डालना चाहिए। यदि सरकार नहीं झुकती है तब हमें राज्य का विरोध करना चाहिए। तो इस तरह से ग्रीन जो है कुछ विशेष परिस्थितियों में व्यक्ति को राज्य का विरोध करने का अधिकार देते हैं। तो इसको छोड़ करके, यानी ए को छोड़ करके, तीनों स्टेटमेंट जो है वो ग्रीन के हैं, ग्रीन से संबंधित हैं। तो ए ही नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से किसने राज्य के कार्य के संबंध में बाधाओं को बाधित करना कहा, अथवा किसने यह विचार प्रतिपादित किया कि राज्य का प्रमुख कार्य व्यक्ति के उत्तम या नैतिक जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को बाधक बनाना है? ए ग्रीन ने, बी मिल ने, सी हाब्स ने या डी हीगल ने? तो फ्रेंड देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा ए ग्रीन। ग्रीन का मानना है फ्रेंड्स कि राज्य का जो प्रमुख कर्तव्य है वो व्यक्ति द्वारा उसके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करवाना है। राज्य का जो कार्य है वो है कि ऐसी परिस्थितियों की व्यवस्था करे जिसके अंतर्गत जो है नैतिकता का विकास हो जाए। ग्रीन जो है समाज में जो नैतिकता का पतन हो रहा था उससे बड़ा चिंतित था, इसलिए वो व्यक्ति को नैतिक बनाने का प्रयास कर रहा था। ग्रीन कहता है कि राज्य जो है नैतिक संस्था होते हुए भी नैतिकता के विकास का कार्य प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकता है, क्योंकि नैतिकता व्यक्ति की जो है अंतःकरण की वस्तु है, वो आंतरिक चेतना की वस्तु है। इसलिए राज्य जो है व्यक्ति का जो है प्रत्यक्ष रूप से नैतिक विकास नहीं कर सकता है, इसलिए उसको यह करना चाहिए कि ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करना चाहिए जिससे व्यक्ति का नैतिक विकास हो सके, और इस नैतिक विकास के मार्ग में जो भी बाधाएं आए उन बाधाओं को दूर करने का प्रयास उसको करना चाहिए। तो उसी परिप्रेक्ष्य में लिखा गया है कि राज्य का कार्य क्या है, बाधाओं को बाधित करना, यानी व्यक्ति के नैतिक विकास में जो भी बाधाएं आ रही हैं उसको बाधित करें, उसको हटाए। इसी चीज को दूसरे तरीके से लिख दिया गया है कि राज्य का प्रमुख कार्य व्यक्ति का उत्तम या नैतिक जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को बाधक बनाना है। तो आप बाधाओं को बाधित करना, यह वर्ड जो है देखे रहिएगा। तो यह किसके अनुसार है? यह जो है ग्रीन के अनुसार है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ए ग्रीन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है फ्रेंड्स कि जब ग्रीन कहता है कि राज्य का कार्य उत्तम जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को रोकना है, तब वह आधारशिला रखता है उदारवाद की, व्यक्तिवाद की, साम्यवाद की या प्रत्ययवाद की? तो फ्रेंड देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा ए उदारवाद की।
उदारवाद जो है व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थक है फ्रेंड्स, और जब ग्रीन यह कहता है कि राज्य को चाहिए कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में जो भी बाधाएं आए उस बाधाओं को रोके, यानी कि एक तरह से व्यक्ति को स्वतंत्रता प्रदान करता है वो, तो वह किसकी नींव रख रहा है, वो उदारवाद की नींव रख रहा है, और उदारवाद में भी किसका रख रहा है, वो सकारात्मक उदारवाद की नींव रख रहा है, ठीक है। इसीलिए अगर नकारात्मक उदारवाद की नींव नहीं रख रहा है, इसीलिए व्यक्तिवाद को सही नहीं माना गया है, ठीक है। उदारवाद को इसलिए सही माना गया क्योंकि वो उदारवाद के दो रूप है, हमको नकारात्मक उदारवाद सकारात्मक उदारवाद, नकारात्मक उदारवाद जो है व्यक्तिवाद हो जाता है, तो वो सकारात्मक उदारवाद की नींव रखता है एक तरह से, क्योंकि राज्य का कार्य क्या है, राज्य का कार्य है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में आने वाली बाधाओं को बाधित करना, यानी उसके व्यक्तित्व के विकास में जो भी बाधाएं आएंगी वहां राज्य हस्तक्षेप करेगा, तो हस्तक्षेप की बात भी कहता है और व्यक्ति की स्वतंत्रता की भी बात करता है, तो वह किसकी नींव रख रहा है, उदारवाद की नींव रख रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है फ्रेंड्स कि अधिकार मनुष्य के आंतरिक विकास के लिए बाह्य परिस्थितियां हैं, यह कथन किसका है, जे एस रूसो ने का, मिल का, टी एच ग्रीन का या बोसांके का। तो फ्रेंड देखिए इसका उत्तर हो जाएगा सी, टी एच ग्रीन। ग्रीन ने क्या कहा कि अधिकार मनुष्य के आंतरिक विकास के लिए बाह्य परिस्थितियां हैं। मैंने अभी क्या कहा कि व्यक्ति का जो है नैतिक विकास करना वो ग्रीन का मुख्य ध्येय था। वो कहता है कि चूंकि नैतिकता का संबंध व्यक्ति के अंतःकरण से होता है, इसलिए वो नैतिकता का प्रत्यक्ष विकास नहीं कर सकता है, भले ही राजनैतिक संस्था है लेकिन वो राज नैतिकता का जो है प्रत्यक्ष रूप से विकास नहीं कर सकता है, क्योंकि नैतिकता का संबंध व्यक्ति के अंतरात्मा से होता है। इसलिए राज्य को ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करना चाहिए जिससे व्यक्ति को नैतिक विकास हो सके। इसी परिस्थितियों के अंतर्गत राज्य जो है अधिकारों को प्रदान करता है व्यक्ति को, जिसके कारण जो है व्यक्ति का नैतिक विकास हो। उसी बात को लिखा है कि अधिकार मनुष्य के आंतरिक विकास के लिए बाह्य परिस्थितियां। अधिकार क्या है, तो ग्रीन मानता है कि अधिकार जो है व्यक्ति के आंतरिक विकास के लिए यानी उसके नैतिक विकास के लिए बाह्य परिस्थितियां हैं, यानी राज्य ने ऐसी परिस्थितियों के रूप में अधिकार को व्यक्ति को दिया है बाह्य परिस्थितियों के रूप में जिससे व्यक्ति का आंतरिक विकास हो सके। तो अधिकार मनुष्य के आंतरिक विकास के लिए बाह्य परिस्थितियां हैं, यह कथन जो है टी एच ग्रीन का है। क्वेश्चन नंबर 11 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है फ्रेंड्स कि टी एच ग्रीन के अनुसार प्राकृतिक अधिकार वे अधिकार हैं जो प्राकृतिक अवस्था में थे, जो विधि द्वारा स्वीकृत हैं, जिनकी मांग व्यक्ति द्वारा की जाती है, जो व्यक्ति के नैतिक विकास के लिए आवश्यक हैं। तो फ्रेंड्स देखिए इसका उत्तर हो जाएगा जो व्यक्ति के नैतिक विकास के लिए आवश्यक है। देखिए फ्रेंड्स ग्रीन जो है वो समझौतावादी विचारकों का आलोचना इस आधार पर करता है कि वो प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन करते हैं। ग्रीन के जब अधिकार संबंधी सिद्धांत आप पढ़ेंगे तो उसमें भी प्राकृतिक अधिकारों की बात आएगी, लेकिन ये जिस प्राकृतिक अधिकार की बात करते हैं वो प्राकृतिक अधिकार नहीं है जो कि समझौतावादी विचारक कहते हैं। समझौतावादी विचारकों ने समाज से पहले प्राकृतिक अवस्था में जो व्यक्ति को अधिकार कुछ अधिकारों की कल्पना की, जिसको कि वो प्राकृतिक अधिकार के रूप में कहते हैं। यानी अधिकार क्या है, अधिकार जो है समाज से पहले व्यक्ति को मिले होते हैं जिसको कि प्राकृतिक अधिकार कहते हैं, ऐसा जो है समझौतावादी विचारकों का मानना है। लेकिन ग्रीन ने इस अर्थ में प्राकृतिक अधिकारों की कल्पना नहीं की है। ग्रीन का क्या कहना है, तो ग्रीन कहा कि कोई भी चीज़ अधिकार बनने के लिए जो है कई चरणों से गुजरती है, यानी कि व्यक्ति सबसे पहले जो है वो मांगता है समाज से कि हमको ये सुविधाएँ चाहिए, ठीक है। वो अधिकार का क्या है, तो वो कहता है अधिकार जो है व्यक्ति की एक मांग होती है जिससे वो समाज से मांगता है। समाज की व्यक्ति की बहुत सी मांग होती है जिसको समाज उसमें से कुछ मांगों को स्वीकार कर लेता है, तो जिसको समाज स्वीकार करता है वह व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार हो जाते हैं। यानी कि व्यक्ति की वे मांग जिसको समाज ने स्वीकार कर लिया है वो प्राकृतिक अधिकार है जो व्यक्ति के नैतिक विकास के लिए है, और जब इन्हीं प्राकृतिक अधिकारों को राज्य जो है संरक्षण दे देता है तो ये अधिकार बन जाते हैं। तो ग्रीन क्या कह रहा है कि प्राकृतिक अधिकार उसके लिए क्या है, जो व्यक्ति के नैतिक विकास के लिए आवश्यक है। यहाँ ये ध्यान देना कि प्राकृतिक अधिकारों की जो कल्पना ग्रीन ने की है वो समाज में संभव है, जबकि समझौतावादी सिद्धांतों ने जिस प्राकृतिक अधिकार की कल्पना की वो समाज में संभव नहीं है, वो समाज से पहले था। तो ये ग्रीन के और समझौतावादी सिद्धांतों के प्राकृतिक अधिकारों में डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस है, इसको आपको समझना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 का डी, प्राकृतिक अधिकार क्या है जो नैतिक व्यक्ति के नैतिक विकास के लिए आवश्यक हैं, यही सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है फ्रेंड्स कि मानव चेतना जो है स्वतंत्रता चाहती है, स्वतंत्रता के लिए अधिकार आवश्यक हैं और अधिकारों के संरक्षण के लिए राज्य आवश्यक है, यह वक्तव्य किसका है, ग्रीन का, मैकियावेली का, वो अरस्तु का या मिल का। तो फ्रेंड्स देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ग्रीन। यह जो है ग्रीन का बहुत फेमस स्टेटमेंट है कि मानवीय चेतना जो है स्वतंत्रता चाहती है, स्वतंत्रता के लिए अधिकार आवश्यक है, अधिकारों के संरक्षण के लिए राज्य आवश्यक है।
ग्रीन ने इस स्टेटमेंट के माध्यम से स्वतंत्रता अधिकार और राज्य की आवश्यकता पर बल दिया कि इनकी उत्पत्ति कैसे होती है। जो लोग ये कहते हैं कि राज्य या स्वतंत्रता या अधिकारों का जन्मदाता जो है प्रकृति है, ईश्वर है, उसका खंडन करते हुए ग्रीन ये कहता है कि इन सब चीज़ों की उत्पत्ति जो है मानवीय चेतना के परिणाम स्वरूप होती है, यानी स्वतंत्रता की उत्पत्ति मानवीय चेतना के परिणाम स्वरूप हुई है। अधिकार क्या है? मानवीय चेतना की सृष्टि है। वो कहता है कि व्यक्ति की चेतना ने, जो उसकी अंतरात्मा है, उसकी शाश्वत चेतना है, वह जो है स्वतंत्रता चाहती है और इसी स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए जो है वो अधिकारों का जन्म होता है और अधिकारों का संरक्षण करने के लिए राज्य का जन्म होता है। तो यानी कि उसी बात को उसने पिरो दिया है कि मानवीय चेतना स्वतंत्रता चाहती है और स्वतंत्रता के लिए अधिकार आवश्यक है, क्योंकि बिना अधिकार की स्वतंत्रता संभव नहीं है, और अधिकारों के संरक्षण के लिए राज्य आवश्यक है। तो इस तरह से राज्य की उत्पत्ति जो है वो मानवीय चेतना के परिणाम स्वरूप होती है। तो ये किसका स्टेटमेंट है? ग्रीन का। अब फ्रेंड्स देखिए, अगर इसको ग्रीन न लिख करके यहाँ पर ग्रीन हटा दे और यहाँ पर अगर विचारक दो चार नाम दे, सेबाइन, बारकर, गैटेल, तो उसमें बारकर हो जाएगा। इसकी इसी बात को बारकर ने जो है स्टेटमेंट के रूप में लिखा है कि मानवीय चेतना स्वतंत्रता चाहती है, स्वतंत्रता के लिए अधिकार आवश्यक है, अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य आवश्यक है। तो फ्रेंड्स अगर यहाँ ग्रीन ना हो और ग्रीन की जगह बारकर लिखा हो तो आपका उत्तर बारकर हो जाएगा, लेकिन अगर ग्रीन है तो ग्रीन आपका पहला विकल्प होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का ए ग्रीन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित अवधारणाओं में से ग्रीन की प्राथमिकता का निर्धारण कीजिए। इस स्टेटमेंट को जो अगर ऊपर वाला जो अभी बताया मैंने इसको याद रखेंगे तो ये क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। इसमें क्या कह रहा है कि ग्रीन की प्राथमिकता का निर्धारण कीजिए, चेतना दिया है, राज्य दिया है, अधिकार दिया है, स्वतंत्रता दिया है, एक दो तीन चार शब्दों का, और इसके बाद उसको कूट दे दिया है उत्तर ए बी सी डी। अब कह रहा है इसी कूट में से इस उत्तर का चयन कीजिए। तो अगर आपको परिभाषा याद है कि मानवीय चेतना स्वतंत्रता चाहती है और स्वतंत्रता चाहती है और स्वतंत्रता में अधिकार निहित है, अधिकार जो है वो राज्य की मांग करते हैं, यानी चेतना स्वतंत्रता अधिकार राज्य 1 4 3 2, तो 1 4 3 2 कौन सा है? ए। तो हमारा विकल्प क्या हो जाएगा? ए, 14 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है फ्रेंड्स कि राजनीतिक कृतज्ञता का सिद्धांत या राजनीतिक दायित्व का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? मिल ने, लाक ने, ग्रीन ने या बेंथम ने? तो फ्रेंड्स देखिए इसका उत्तर हो जाएगा सी, ग्रीन ने। फ्रेंड्स देखिए ग्रीन जो है वो रूसो की सामान्य इच्छा से ही भी बहुत प्रभावित था और उसका भी मानना था कि राज्य का कार्य जो है वो सामान्य हित को बढ़ावा देना है और सामान्य हित का जो विचार है वही राजनीतिक कृतज्ञता का आधार है। तो राजनीतिक कृतज्ञता का सिद्धांत किसका है? ग्रीन का है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। और इनका जो पुस्तक मैंने अभी बताया आपको कि लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, तो पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन का मतलब होता है राजनीतिक दायित्व, राजनीतिक कृतज्ञता। तो इस पुस्तक के आधार पर भी अगर आप हिंदी समझ रहे हैं तो इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। पिछली बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि राजनीतिक कृतज्ञता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो ये ग्रीन का है, बड़ा फेमस क्वेश्चन है। तो आप ध्यान रखिएगा कि राजनीतिक कृतज्ञता का सिद्धांत ग्रीन ने दिया। क्वेश्चन नंबर 15 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 16 है फ्रेंड्स कि टी एच ग्रीन का प्रसिद्ध वक्तव्य कौन सा है? अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, राज्य का आधार शक्ति नहीं वरन इच्छा है, सहमत ही दुनिया में प्रत्येक वैश्य सरकार का निर्माण करती है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है। तो फ्रेंड्स देखिए इसका उत्तर आप समझ गए होंगे बी, राज्य का आधार शक्ति नहीं वरन इच्छा है। अभी आपको स्टेटमेंट के रूप में भी आया था कि राज्य का आधार शक्ति नहीं वरन इच्छा है, किसका स्टेटमेंट है? ग्रीन का। अब इसी को अलग तरीके से पूछ सकता है जैसा कि पूछा गया है। अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख का सिद्धांत जो है उपयोगितावादियों का है यानी बेंथम का है, सहमति दुनिया में प्रत्येक वैश्य सरकार का निर्माण करती है यान लाक का है, ठीक है, और राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, यह हीगल का स्टेटमेंट है, लेकिन राज्य का आधार शक्ति नहीं वरन इच्छा है, यह ग्रीन का है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 17 है फ्रेंड्स, मद्य निषेध का प्रबल समर्थक करने वाला बिचारा कौन था? कार्ल मार्क्स, बेंथम, रूसो या टी एच ग्रीन? तो फ्रेंड देखिए इसका उत्तर हो जाएगा टी एच ग्रीन। ग्रीन ने जो है वो सामने सामाजिक सुधारों के अंतर्गत मद्य निषेध यानी शराब पीने का बहुत ही निंदा करता है और इसको जो है शराब पर प्रतिबंध लगाने की बात करता है। तो मद्य निषेध का जो प्रबल समर्थन करने वाला विचारक जो है वो ग्रीन है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का डी ग्रीन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 फ्रेंड्स कथन और कारण का है। कथन कह रहा है कि ग्रीन के अनुसार इच्छा न कि शक्ति राज्य का आधार है। कारण कह रहा है कि ग्रीन सर्वसत्तावादी दार्शनिक था। तो देखिए फ्रेंड्स कथन तो सही है कि ग्रीन कहता है कि राज्य का आधार जो है वो इच्छा है न कि शक्ति,
ये तो ग्रीन का स्टेटमेंट है। ग्रीन सर्वसत्तावादी दार्शनिक है, ये गलत है। ग्रीन जो है वो सर्वसत्तावाद का मतलब होता है कि ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सारे के सारे अधिकार जो हैं वो राज्य के पास हों, व्यक्तियों के पास कोई अधिकार ना हो, तो उसे कहते हैं सर्वसत्तावादी शासन व्यवस्था। तो ग्रीन जो है सर्वसत्तावादी शासन व्यवस्था का समर्थक नहीं था। यानी कथन सही है, कारण गलत है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा सी, ए सही है किंतु आर गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 19 है फ्रेंड्स कि निम्न में से कौन सी पुस्तक ग्रीन की नहीं है? पोलेग्रोमिन ऑफ इथिक्स, लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस, लेक्चर्स ऑन इंग्लिश रिवोल्यूशन, लेक्चर्स ऑन लिबरल लेजिस्लेशन एंड फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें से बी लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस, यह जो है ग्रीन की पुस्तक नहीं है, बल्कि यह जो है वो ऑस्टिन की पुस्तक है। इसको छोड़ करके बाकी जो तीनों हैं, पोलेग्रोमिन ऑफ एथिक्स, लेक्चर्स ऑन इंग्लिश रिवोल्यूशन, लेक्चर्स ऑन लिबरल लेजिस्लेशन एंड फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये तीनों की तीनों जो है ग्रीन की पुस्तक हैं। लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस जो है ये जॉन ऑस्टिन की पुस्तक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है फ्रेंड्स, ग्रीन के विषय में किसने कहा कि ग्रीन एक कल्पनाशील आदर्शवादी और गंभीर यथार्थवादी हैं? बारकर ने, मैक्सी ने, सीले ने या वाहन ने? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा ए, बारकर। बारकर ने ग्रीन के विषय में लिखा कि ग्रीन एक जो है कल्पनाशील आदर्शवादी और गंभीर यथार्थवादी है। स्टेटमेंट है, आप इसको ऐसे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का ए, बारकर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है फ्रेंड्स कि राज्य का कार्य उन दशाओं को जन्म देना है जिसमें नैतिकता का विकास संभव हो सके, यह कथन किस विचारक का है? ए अरस्तु, बी मैक्यावेली, सी ग्रीन या डी लास्की? तो फ्रेंड्स देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा सी, ग्रीन। ग्रीन अभी मैंने ऊपर चर्चा किया इसका कि ग्रीन कहते हैं कि राज्य का कार्य क्या है, तो राज्य का कार्य ऐसी परिस्थितियों को जन्म देना है जिसमें व्यक्ति का अधिकतम विकास हो सके। किस विकास की बात कर रहे हैं? वो नैतिक विकास की बात कर रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में उनका जो स्टेटमेंट था, बाधाओं को बाधित करना, ये भी इसी परिप्रेक्ष्य में है कि यदि व्यक्ति के विकास में कोई बाधा आती है तो राज्य का कार्य है उन बाधाओं को बाधित करना। तो राज्य का कार्य उन दशाओं को जन्म देना जिसमें नैतिकता का विकास संभव हो सके, यह कथन ग्रीन का है। क्वेश्चन नंबर 21 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 22 है फ्रेंड्स कि ग्रीन किस देश के निवासी थे? इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी या अमेरिका? तो फ्रेंड्स देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड। मैंने बताया शुरुआत में ही कि ग्रीन का जन्म जो है इंग्लैंड के यॉर्कशायर जिले में हुआ था, तो इनका देश कौन सा था? इंग्लैंड था। तो क्वेश्चन नंबर 22 का ए, इंग्लैंड सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है फ्रेंड्स कि ग्रीन ने किन सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए व्यक्ति के कार्यों में राज्य के सीधे हस्तक्षेप की बात को स्वीकार किया है? अज्ञानता, दरिद्रता, नशाखोरी या उपर्युक्त सभी? तो फ्रेंड्स देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। मैंने कहा फ्रेंड्स कि ग्रीन जो है वो सकारात्मक एक तरह से उदारवादी है। ग्रीन ने सकारात्मक उदारवाद का समर्थन किया। ग्रीन कहते हैं कि अज्ञानता, दरिद्रता और नशाखोरी, ये तीन ऐसी सामाजिक बुराइयां हैं जिसको दूर करने के लिए राज्य को व्यक्ति के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हस्तक्षेप करने का अधिकार है। तो उसी बात को इन्होंने लिखा है कि ग्रीन ने किन सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए व्यक्ति के कार्यों में राज्य के सीधे हस्तक्षेप की बात करते हैं, तो वो तीनों के तीनों आते हैं, अज्ञानता, दरिद्रता और नशाखोरी। तो हमारा विकल्प क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 23 का डी, उपर्युक्त सभी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है फ्रेंड्स कि यह कथन किसका है कि ग्रीन द्वारा युद्ध की निंदा उसके व्याख्यानों में सर्वश्रेष्ठ एवं ओजपूर्ण है? बेपर का, सेबाइन का, मैक्सी का या बारकर का? तो फ्रेंड्स देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा डी, बारकर। ग्रीन जो है फ्रेंड्स वो युद्ध का समर्थन नहीं करता है, बल्कि युद्ध का निंदा करता है, उसको जो है राज्य की अपूर्ण अभिव्यक्ति के द्योतक मानता है। इसी बात को इंगित करते हुए बारकर ने ग्रीन के विषय में लिखा कि ग्रीन द्वारा युद्ध की निंदा करना जो है उसके व्याख्यानों में सर्वश्रेष्ठ और ओजपूर्ण है। तो किसका स्टेटमेंट है? बारकर का। क्वेश्चन नंबर 24 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 25 है फ्रेंड्स कि युद्ध के विषय में टीएच ग्रीन ने क्या कहा? कि वह कहता है कि राज्य की संप्रभुता का युद्ध प्रतीक है, या युद्ध सामूहिक नरसंहार है, या सामाजिक विकृतियों का प्राकृतिक उपचार है, या राज्य की विस्तारवादी इच्छा का प्रतीक है? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका उत्तर हो जाएगा मेरे ख्याल से डी, राज्य की विस्तारवादी इच्छा का प्रतीक है। क्योंकि जो ग्रीन के विचार आप पढ़ेंगे तो ग्रीन के विचारों में उसने कहा है कि युद्ध जो है वो राज्य की विस्तारवादी इच्छा का प्रतीक है, वो राज्य की महत्वाकांक्षा का प्रतीक है, उसकी साम्राज्यवादी इच्छा का प्रतीक है।
कहीं कहीं फ्रेंड्स कुछ सेटों में इसको सामूहिक नरसंहार मानते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इसका उत्तर जो है राज्य की विस्तारवादी इच्छा का प्रतीक है, ये सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 का डी राज्य की विस्तारवादी इच्छा का प्रतीक है, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है फ्रेंड्स, ग्रीन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ग्रीन का विचार है कि राज्य का कार्य नकारात्मक और सकारात्मक दोनों होना चाहिए। अधिकार व्यक्ति के नैतिक दावे हैं जो समाज द्वारा स्वीकृत और राज्य द्वारा संरक्षित होते हैं। ग्रीन के विचारों में रूसो की संप्रभुता और ऑस्टिन की संप्रभुता का मिश्रण पाया जाता है, उपर्युक्त सभी। तो फ्रेंड देखिए ग्रीन के बारे में कौन सा कथन सत्य है, तो उपर्युक्त तीनों कथन जो है ग्रीन के बारे में सत्य है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। ग्रीन के विचारों में हम राज्य के नकारात्मक कार्य को भी देखते हैं और ग्रीन के विचारों में हम राज्य के सकारात्मक कार्य को भी देखते हैं। जब ग्रीन ये कहते हैं कि राज्य जो है व्यक्ति को वो सब कार्य करने दे जो कि करने योग्य हैं, तो यहाँ ये स्वतंत्रता की बात करते हैं, राज्य के नकारात्मक कार्यों का समर्थन करते हैं। और जब ये कहते हैं कि नैतिकता के विकास के लिए जहाँ भी राज्य समझे वहाँ पर वो राज्य व्यक्ति की कार्यों में हस्तक्षेप कर सकता है, तो वहाँ वो सकारात्मक उदारवाद का समर्थन करने लगते हैं। तो ग्रीन के विचारों में हमें नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार की विचारधारा दिखाई देती है, ये सही है। अधिकार व्यक्ति के नैतिक दावे हैं जो समाज द्वारा स्वीकृत और राज्य द्वारा संरक्षित होते हैं। अभी मैंने चर्चा किया इस पर कि अधिकार क्या है, तो ग्रीन कहते हैं अधिकार जो है व्यक्ति की मांग होती है, इस मांग को समाज स्वीकार करता है, राज्य जो है इसको अपना संरक्षण प्रदान करता है। तो वो जो है ग्रीन के बारे में जो ये स्टेटमेंट लिखा गया है कि अधिकार व्यक्ति के नैतिक दावे हैं जो समाज द्वारा स्वीकृत होते हैं और राज्य द्वारा संरक्षित होते हैं, सही है। ग्रीन के विचारों में रूसो की संप्रभुता और ऑस्टिन की संप्रभुता का मिश्रण पाया जाता है, तो ये फ्रेंड्स सही है। ग्रीन जो है वो रूसो और ऑस्टिन की संप्रभुता का मिश्रण रूप प्रस्तुत करते हैं हमारे सामने। रूसो जो है लोकप्रिय संप्रभुता का समर्थक है, ग्रीन जो है ऑस्टिन जो है वो एकलवादी संप्रभुता का समर्थक है। रूसो जो है वो प्रभुसत्ता को समान इच्छा में निहित मानता है, और जबकि ऑस्टिन जो है वो प्रभुसत्ता को जो है किसी निश्चित और सर्वोच्च मानवीय सत्ता में निहित मानते हैं। ग्रीन इन दोनों को मिला देता है और कहता है कि प्रभुसत्ता का अंतिम निवास स्थान तो समान इच्छा है, किंतु विभिन्न राज्यों में उनका वास्तविक उपयोग करने वाले कुछ निश्चित उच्च अधिकारी होते हैं। तो यानी एक तरफ वो समान इच्छा की बात कर रहा है, दूसरे तरफ उसका प्रयोग करने वाले कुछ निश्चित उच्च अधिकारी होते हैं, यानी मानव श्रेष्ठ की भी बात कर रहा है। तो इस तरह से वो ऑस्टिन और रूसो दोनों के संप्रभुता संबंधी विचारों को मिला देता है, तो ये कथन भी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का डी उपर्युक्त सभी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है फ्रेंड्स, स्वतंत्रता का तात्पर्य नियंत्रण या अनुशासन से मुक्ति नहीं, वरन इसका तात्पर्य करने योग्य कार्यों को करने की स्वतंत्रता से है। यह कथन किस विचारक का है, लॉक का है, ग्रीन का, स्पेंसर का या मिल का। तो फ्रेंड देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ग्रीन। ये सिर्फ आप एक ही चीज याद रखिएगा, करने योग्य कार्यों को करने की स्वतंत्रता, करने योग्य कार्यों को करने की स्वतंत्रता। ग्रीन स्वतंत्रता की परिभाषा देते हुए ये कहते हैं कि स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति के ऊपर कोई प्रतिबंध ना हो, व्यक्ति के ऊपर प्रतिबंध होने चाहिए, व्यक्ति को उन्हीं कार्यों को करने की आज़ादी होनी चाहिए जो कि करने योग्य हैं, जो नैतिक दृष्टि से उचित हैं। यानी वो स्वतंत्रता की परिभाषा देते हुए क्या कहते हैं कि करने योग्य कार्यों को करने की आज़ादी हो हमको, यही स्वतंत्रता है। अब इसी को चाहे किसी भी रूप में स्टेटमेंट पूछ सकता है, जो स्टेटमेंट ये दिया है ये भी पूछ सकता है कि स्वतंत्रता का तात्पर्य नियंत्रण या अनुशासन से मुक्ति नहीं, बल्कि उसका तात्पर्य है करने योग्य कार्यों को करने की स्वतंत्रता, या इसी को केवल यही उठा सकता है कि करने योग्य कार्यों को करने की आज़ादी को स्वतंत्रता किसने कहा, तो ये ग्रीन का हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको समझे रहिएगा, ये लाइन को जो मैंने कलर किया है इसको अच्छे से देखिएगा, करने योग्य कार्यों को करने की आज़ादी को स्वतंत्रता किस कौन मानता है, ग्रीन। तो क्वेश्चन नंबर 27 का बी ग्रीन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है फ्रेंड्स, ग्रीन ने स्वतंत्रता की इस प्रकार परिभाषा की है, ऐसे कार्यों को करने की क्षमता जो करने योग्य है, विधि की अनुपस्थिति, कोई भी कार्य करने का परमिट या प्रतिबंधों का अभाव। तो फ्रेंड्स देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ए, ऐसे कार्यों को करने की क्षमता जो करने योग्य है। अभी ऊपर चर्चा हुआ कि ग्रीन जो है प्रतिबंधों के अभाव को ही स्वतंत्रता नहीं मानते हैं, उनके हिसाब से स्वतंत्रता क्या है, तो वो कहते हैं कि ऐसे कार्य जो करने योग्य हैं उसी कार्यों को करने की आज़ादी हो, इसी को स्वतंत्रता कहते हैं। तो उसी चीज़ को यहाँ लिखा है कि स्वतंत्रता की परिभाषा इस प्रकार किसने की, ऐसे कार्यों को करने की क्षमता जो करने योग्य हैं, तो करने योग्य हैं ऐसे कार्यों को करने की क्षमता को स्वतंत्रता किसने माना है, ग्रीन ने माना है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का ए सही है।
क्वेश्चन नंबर 29 है फ्रेंड्स, की शाश्वत चैतन्य की अवधारणा किससे संबंधित है, लाट से, ग्रीन से, हेराल्ड लास्की से या मार्क्स से? तो फ्रेंड्स देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ग्रीन। मानवीय चेतना स्वतंत्रता चाहती है, स्वतंत्रता में अधिकार निहित है और अधिकार अपनी रक्षा के लिए राज्य की मांग करते हैं। तो जो मानवीय चेतना या शाश्वत चैतन्य की अवधारणा है ये किससे संबंधित है, ग्रीन से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का भी ग्रीन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है फ्रेंड्स कि ग्रीन की स्वतंत्रता की अवधारणा आधारित है रूसो और हीगल के विचारों पर, रूसो और बेंथम के विचारों पर, बेंथम और मिल के विचारों पर, हीगल और मिल के विचारों पर? तो फ्रेंड्स देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ए, रूसो और हीगल के विचारों पर। फ्रेंड्स अगर रूसो की जगह यहाँ कांट भी लिखा होता तब भी कांट और हीगल से भी प्रभावित हो सकता था, क्योंकि रूसो का जो स्वतंत्र सामान्य इच्छा का सिद्धांत है जो है उसी को स्वतंत्र नैतिक इच्छा के रूप में कांट ने विकसित किया है, और इन्हीं का प्रभाव जो है वो ग्रीन के ऊपर भी है। तो ग्रीन जो है वो स्वतंत्र नैतिक इच्छा और हीगल की जो सकारात्मक स्वतंत्रता की धारणा से प्रभावित है, और इन दोनों का प्रभाव जो है वो ग्रीन की स्वतंत्रता संबंधी विचारधारा पर दिखाई देती है। तो ग्रीन के ऊपर किसका प्रभाव है, रूसो और हीगल के विचारों पर। अगर रूसो की जगह कांट और हीगल दे दे तब भी इसका उत्तर कांट और हीगल हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 का ए, रूसो और हीगल सही है। क्वेश्चन नंबर 31 है फ्रेंड्स कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का अग्रदूत किसे माना जाता है, ऑस्टिन, स्पेंसर, ग्रीन या बर्लिन? तो फ्रेंड्स देखिए इसका उत्तर हो जाएगा सी, ग्रीन। तो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का अग्रदूत फ्रेंड्स ग्रीन को माना जाता है। ग्रीन जो है जहां ये कहते हैं कि करने योग्य कार्यों को करने की व्यक्ति को आज़ादी होनी चाहिए, वहाँ वो स्वतंत्रता की बात करते हैं, और दूसरी तरफ वो सामाजिक जो बुराइयाँ हैं जैसे अज्ञानता है, नशाखोरी है, अशिक्षा है, इनको दूर करने के लिए वो राज्य के हस्तक्षेप की भी बात को स्वीकार करते हैं। तो वो जो है व्यक्ति के कल्याण के लिए राज्य को कहते हैं कि ऐसी परिस्थितियों का उत्पन्न किया जाए जिससे व्यक्ति का अधिकतम नैतिक विकास संभव हो सके। तो इस तरह से वो एक तरह से कल्याणकारी राज्य के स्वरूप को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं और राज्य को व्यक्ति के कल्याण का एक साधन मानते हैं। तो इस तरह से कल्याणकारी राज्य का अग्रदूत हम ग्रीन को मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 का सी, ग्रीन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है फ्रेंड्स कि ग्रीन के अधिकार संबंधित विचारों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, अधिकारों का संबंध बाह्य परिस्थितियों से होता है, अधिकार समाज में ही संभव है, अधिकार प्राकृतिक होते हैं, अधिकारों की प्राप्ति के लिए राज्य आवश्यक है? तो फ्रेंड्स देखिए इसका उत्तर हो जाएगा सी, अधिकार प्राकृतिक होते हैं। यहाँ प्राकृतिक होते हैं का मतलब अधिकारों को प्राकृतिक मानता है कौन, समझौतावादी सिद्धांतवादी। ग्रीन जो है अधिकारों को प्राकृतिक नहीं मानते हैं, ये ग्रीन का विचार नहीं है। ग्रीन जो है कहता है कि अधिकारों का संबंध व्यक्ति के बाह्य परिस्थितियों से होता है, नैतिकता का संबंध आंतरिक होता है लेकिन अधिकारों का संबंध बाह्य होता है, अधिकार समाज में ही संभव है, ये ग्रीन का स्टेटमेंट है कि अधिकार को समाज मानता है, यानी अधिकार व्यक्ति के दावे हैं जिसको समाज स्वीकार करता है, यानी अधिकार जो है समाज में ही संभव है, समाज के बाहर संभव नहीं है, और अधिकारों की प्राप्ति के लिए राज्य आवश्यक है, ये भी सही है। आपने स्टेटमेंट देखा भी कि मानवीय चेतना स्वतंत्रता चाहती है, स्वतंत्रता के लिए अधिकार आवश्यक है, अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य आवश्यक है, तो अधिकारों की प्राप्ति के लिए राज्य आवश्यक है, ये भी ग्रीन से संबंधित है। तो सी को छोड़कर के तीनों सही हैं, तो क्वेश्चन नंबर 32 का सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है फ्रेंड्स कि संपत्ति के संबंध में निम्न में से कौन सा ग्रीन का विचार नहीं है, तो ग्रीन व्यक्तिगत संपत्ति का समर्थक था, ये सही है। ग्रीन जो है व्यक्तिगत संपत्ति को सही मानता है, ग्रीन संपत्ति की विषमता को भी उचित मानता है, ये भी सही है फ्रेंड्स। ग्रीन जो है व्यक्तिगत संपत्ति को भी सही मानता है, ग्रीन जो है व्यक्तिगत संपत्ति की जो विषमता है उसको भी सही मानता है। उसका मानना है कि संपत्ति जो है वो विषम यानी सबके पास समान रूप से नहीं होनी चाहिए, अगर सबके पास समान रूप से हो जाएगी तो समाज की व्यवस्था चलेगी नहीं, सभी व्यक्ति धनवान हो जाएंगे तो निम्न काम कौन करेगा, तो इस संपत्ति की विषमता को भी उचित मानता है। ग्रीन असीमित संपत्ति का समर्थक है, यही गलत है फ्रेंड्स। अब ग्रीन बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों के विरुद्ध है था तो वो ये भी सही है। ग्रीन जो है वो असीमित संपत्ति का समर्थक नहीं है, वो सीमित संपत्ति का समर्थक है, अब बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों के विरुद्ध है, वो जिम्मेदारी प्रथा को समाप्त करना चाहता है। तो इसमें से तीन जो है वो सही हैं, ये सी वाला जो है गलत है, तो क्वेश्चन नंबर 33 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है फ्रेंड्स कि किस विचारक ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में युद्ध जो है वो मानवीय नैतिकता में कमी का परिणाम है और युद्ध अपूर्ण है? चाहे यह स्टेटमेंट पूछे या यह पूछे कि मानवीय नैतिकता में पूर्ण विकास के पश्चात युद्ध स्वाभाविक रूप से समाप्त हो जाएंगे, अब दोनों स्टेटमेंट को आप समझिए। ठीक है,
कह रहा है कि कौन सा विचारक ये मानता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में युद्ध जो है वो मानवीय नैतिकता में कमी का परिणाम है, यानी अगर युद्ध हो रहे हैं इसका मतलब मानव जो है वो नैतिक नहीं है तभी युद्ध कर रहा है। और कह रहा है कि मानवीय नैतिकता में पूर्ण विकास, यानी जब मानव पूर्ण रूप से नैतिक हो जाएगा तो युद्ध जो है स्वाभाविक रूप से समाप्त हो जाएंगे। दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अब पूछ रहा है कि यह स्टेटमेंट किससे संबंधित है, बेंथम से, ग्रीन से, लाक से या लास्की से। तो फ्रेंड देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ग्रीन। इसके पहले भी चर्चा हो चुकी है, ग्रीन जो है वो युद्ध को मानवीय अपूर्णता का द्योतक मानता है। यहाँ लिखा गया कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में युद्ध मानवीय नैतिकता की कमी का परिणाम है और युद्ध अपूर्ण है, ये ग्रीन का स्टेटमेंट है। और ये भी ग्रीन का स्टेटमेंट है कि मानवीय नैतिकता में पूर्ण विकास के पश्चात युद्ध जो है स्वाभाविक रूप से समाप्त हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 34 का बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है फ्रेंड्स कि ग्रीन ने दंड के किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, निवृत्तात्मक सिद्धांत, प्रतिफलात्मक सिद्धांत, सुधारात्मक सिद्धांत या शैक्षणिक सिद्धांत। तो फ्रेंड देखिए इसका बेस्ट उत्तर तो हो जाएगा निवृत्तात्मक सिद्धांत। ग्रीन के विचारों में हमको निवृत्तात्मक सिद्धांत और सुधारात्मक सिद्धांत दोनों दिखाई देते हैं। चूंकि दोनों विकल्प है नहीं तो हमको एक ही चॉइस करना है, तो हमको ए जो है ज़्यादा अच्छा लग रहा है, निवृत्तात्मक सिद्धांत। दंड का निवृत्तात्मक सिद्धांत क्या होता है? तो निवृत्तात्मक सिद्धांत कहता है कि दंड ऐसा होना चाहिए कि दंडित व्यक्ति उसी प्रकार के अपराध का विचार रखने वाले सभी व्यक्तियों के समक्ष एक एग्जाम्पल प्रस्तुत करे और अन्य व्यक्ति वैसा अपराध करने का विचार छोड़ दें। तो यह होता है निवृत्तात्मक सिद्धांत। सुधारात्मक सिद्धांत का मतलब है कि दंड का उद्देश्य अपराधी में सुधार करना होता है। ठीक है, तो दोनों विचार जो है ग्रीन में दिखाई देते हैं, तो हमको दोनों में से एक चॉइस करना है, तो हमारा बेस्ट उत्तर जो है 35 का ए, निवृत्तात्मक सिद्धांत सही होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है फ्रेंड्स कि निम्न में से किस विचारक का प्रभाव जो है ग्रीन के विचारों पर नहीं था, कांट, हाब्स, हीगल, रूसो। तो फ्रेंड्स देखिए इसका उत्तर हो जाएगा बी, हाब्स। हाब्स निरंकुश राजतंत्र का समर्थक था, इसका जो है प्रभाव जो है वो ग्रीन के विचारों पर नहीं था। इसको छोड़कर के कांट, हीगल, रूसो, इन तीनों के विचारों का प्रभाव जो है वो ग्रीन के ऊपर था। तो क्वेश्चन नंबर 36 का बी, हाब्स जो है वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है फ्रेंड्स कि राजनीतिक सिद्धांत को ग्रीन का योगदान क्या था, राज्य को असीमित अधिकार देने पर बल, राज्य को मानव विकास की सामाजिक अवस्थाएं निर्माण करने वाले एक अभिकरण के रूप में स्वीकार करना, व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधाएं निर्माण न करना, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा बी, राज्य को मानव विकास की सामाजिक अवस्थाएं निर्माण करने वाले एक अभिकरण के रूप में स्वीकार करना। ग्रीन जो है वो लोक कल्याणकारी राज्य का अग्रदूत था, उसने जो है व्यक्ति के विकास के लिए राज्य को एक साधन के रूप में इस्तेमाल किया कि व्यक्ति के विकास जो है वो राज्य का उद्देश्य होना चाहिए और विकास के मार्ग में जहाँ भी बाधाएं आएँ उन बाधाओं को दूर करने का राज्य को प्रयास करना चाहिए, व्यक्ति का नैतिक विकास होना चाहिए। तो राज्य को मानव विकास की सामाजिक अवस्थाएं निर्माण करने वाले एक अभिकरण के रूप में वो ग्रीन ने स्वीकार किया। तो ये ग्रीन का जो है राजनीतिक सिद्धांत में बहुत बड़ा योगदान है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का बी सही होगा। तो फ्रेंड्स इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि आप चाहते हैं कि इसी तरह से प्रैक्टिस सेट सीरीज की वीडियो आते रहे और आपकी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाते रहे, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा, चैनल के बारे में उनको बताइएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स एक नए प्रैक्टिस सेट सीरीज की वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।